कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्णा को मिलने के हमारे प्रयास में अगला कदम रखते हुए ध्यान और साधना के लिए अपने आप को तैयार करते हुए आपके आसपास कोई भी ऐसी परिस्थिति या चीजें न हो जो आपको इस ध्यान में डिस्टर्बेंस क्रिएट करे, मोबाइल फोन्स, डोरबेल या कोई भी अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को बंद कर दीजिए। कोई भी व्यक्ति आपको खलेल न पहुंचाए, उसका ध्यान रखिए। एक चित होकर आप बैठे हुए हो, आपको चाहिए तो एक दिया जला लीजिए, एक अगरबत्ती जला लीजिए या फिर कृष्ण की मूर्ति को सामने रख दीजिए और शुरू कीजिए इस यात्रा का और एक कदम। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आपके जीवन के साथी जैसे आपके सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। सांसें अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, ध्यान सिर्फ सांसों पे। और आप सिर्फ सांसों को देख रहे हो, महसूस कर रहे हो। सांसें कितनी गहरी जाती है आपके शरीर के अंदर और बाहर के वातावरण में कहां तक फैलती है। सांसें लेते समय उसका टेम्परेचर, उसकी उष्णता कैसी है, कितनी है, क्या है। और जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन आता है, इसकी नोंद लेते हुए, उसको सिर्फ देखते हुए, महसूस करते हुए आगे बढ़ते हुए और एक सांसों के पहचान के लिए एक सांस का समय कितना है अंदाजित, उसे अनुभव करते हुए क्या परिवर्तन आ रहा है जब आप इस सांसों को, तीनों चीजों को देखते हैं, उसकी नोंद लेते हुए बिना कुछ किए धीरे से सांसों के माध्यम से आप अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। ऐसे ही आपके विचार शून्य हो जाते हैं, थम जाते हैं, भावनाएं स्थिर हो जाती है, शरीर शिथिल हो जाता है और आप अपनी चेतना में जुड़ जाते हैं और अपने शरीर की पूरी ऊर्जा और चेतना को एक प्रकाशमय रूप में देखते हुए हृदय के बाहर एक अंधेरे प्रकाश का गोला जिसमें एक कण प्रकाश का, एक कण अंधेरे का, ऐसा एक विलक्षण, एक अचंभित करने वाला, आकर्षित करने वाला ये प्रकाश, गतिशील प्रकाश धीरे धीरे उसकी गति बढ़ती है, उसका आकार बढ़ता है, आपका ध्यान और खींचा चला जाता है इसके ऊपर। और कुछ ही क्षण में वो आपको पूरी तरह चारों तरफ से एक गोले में समा लेता है और आपका शरीर डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है और आप रहते हो सिर्फ आत्मा। इस एहसास को महसूस करते हुए जहां कोई इंद्रिय नहीं है, जहां कोई संवेदना नहीं है, जहां कोई अनुभव नहीं है, स्थिति में उसी क्षण
कृष्ण आते हैं और कहते हैं, मुझे पता है तुझे क्या अच्छा लगता है। मैंने पहले ही बताया था कि तू आत्मस्वरूप है, अभी तक तू पूरी तरह जान नहीं पाया है कि तू आत्मा है। इस वक्त पे तुझे क्या अच्छा लगता है मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि शरीर को, इस इंद्रिय को, इस वृत्ति को भोग पसंद है। भोग सिर्फ खाने का नहीं होता है, भोग वस्तुओं का होता है, भोग व्यक्तियों का होता है। इस पांच इंद्रिय से जो भी अनुभव करते हैं उसका होता है, और इस भोग में तो तन्मय हो जाता है और तुझे लगता है कि तेरा जीवन तू ही चला रहा है, तू ही उसका सारथी है, तू ही वो रथ है और तू ही अर्जुन है। इस मोह में तेरे कार्यों से जो भी कर्म करने के बाद तुझे फल प्राप्त होता है वो तुझे प्रसन्न कर देता है। तू इन प्रशंसा में बहुत ही रुचि रखता है, तुझे प्रीति हो जाती है इन प्रशंसा के साथ, तुझे स्वर्ग की अभिलाषा होती है, तुझे लोगों से बढ़कर आगे बढ़ना है। यही प्रवास में तू अविवेकी बन जाता है। और तू भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अनेक गुत्थियों में फंस जाता है और कर्मफल में बंध जाता है, आसक्त होता है, और यही तुझे मेरे से दूर करता है, यही तेरा अहंकार बढ़ाता है। लेकिन इस अहंकार के बढ़ने में भी मैं हूं तेरे साथ, मैं ही तुझे इस अनुभूति की तरफ ले जाता हूं और मैं ही तुझे वहां से रास्ता दिखाता हूं। तू कर्मफल में, भोग में और प्रशंसा में जैसे बंद सा जाता है और तेरे सारे कार्य और तेरे सारे प्रयत्न इसी तरफ रहते हैं, जिसके कारण तेरी आसक्ति बढ़ती है, तू हर्ष और शोक के द्वंद में फंस जाता है। लेकिन ये ध्यान रख, अगर तू मेरी शरण में आता है तो तेरा योग और क्षेम मैं चलाऊंगा, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। योग का अर्थ यहां ये मत जान कि ये शारीरिक क्रिया तुझे कोई करनी है, योग का अर्थ यहां ऐसा है कि जो भी चीज की कामना करता है, जो अप्राप्त चीजें हैं उसे तू प्राप्त कर लेता है,
वो तेरा योग है। परमात्मा से मिलना और तेरा मिलन योग है, और तेरा क्षेम यानी कि जो भी कुछ तेरे पास है उसकी रक्षा करना वो मेरा काम है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। ये दोनों में, योग और क्षेम में, तू अपने आप को बांधता नहीं है और तू इसकी कामना नहीं करता है, तू चाहता नहीं है, और तेरा अंतकरण शुद्ध रहता है जब तू अपने आत्मस्वरूप में होता है। और यही समय है कि तेरे इस पहलू को तू देख, समझ और अनुभव कर, और उसी क्षण तेरे आसपास चलती इस ऊर्जा, जहां तुझे अपने सिर्फ होने का एहसास होता है, शरीर का, विचार का, बुद्धि का, अहंकार का नाश होता है, और एक शुद्ध चित्त श्री कृष्ण की बात को सुन रहा है और अपने चित्त में अंकित कर रहा है, तेरा ध्यान अब इस पूरे विश्व में जो भी जल है उसमें है, ना कि एक छोटे से कुंड में है। तेरे विचार, तेरे कार्य विशाल हो चुके हैं, तू सिर्फ कर्म करता है। कर्म का अर्थ सिर्फ काम नहीं है, काम के साथ जोड़े गए हुए भावनाओं का है, इंटेंशन का है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस जगत में आता है और कुछ न कुछ ना करता हो, क्योंकि मनुष्य के होने में ही इस वृत्ति को मैंने डाल दिया है। लेकिन तेरे कर्म में आने वाले फल को तू मोहित होके, उसे आकर्षित होके, उसे सुख और दुख में लिप्त होके अपने आप को देख रहा है। यहां से हट जा। ये तभी संभव है जब ये तू मान ले कि ये तू नहीं कर रहा है, तेरे माध्यम से कोई और कर रहा है, यानी कि मैं श्री कृष्ण कर रहा हूं। फिर तुझे कोई आसक्ति नहीं होगी, तुझे कोई शोक नहीं होगा, तेरे अंदर कोई द्वंद नहीं होगा, तेरा चित्त निर्मल होगा, तेरा प्रवास सरल होगा, और अपने आप तेरी आसक्ति का त्याग हो जाएगा, और तू सिद्धि और असिद्धि में अटकेगा नहीं, बंधेगा नहीं, सिर्फ अपने योग में स्थित होके कार्य करता रहेगा। जो भी कार्य तू करता है वो समत्व होगा। इसका अर्थ है जो भी कुछ कर्म किया जाए, जो पूर्ण हो
ना हो, उसका जो भी फल हो उसमें तू सम रहे, यही तेरा योग है। और तेरा योग मैं श्री कृष्ण चला रहा हूं। इस बात को ध्यान में रखते हुए निश्चिंत होके मेरे शरण में आके अपने जीवन को बदल, अपने जीवन की दिशा को बदल, इस बात की गहराई को जान इसका अर्थ ये नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों ने इसके गलत अर्थ निकाले हैं, चीजों को छोड़ा है, त्यागा है बिना सोचे समझे, इंद्रियों का दमन किया है बिना सोचे समझे। उनको लगता है कि श्री कृष्ण ने हमें यह उपदेश दिया है। ना मैंने कभी अपनी इंद्रियों को दमन करने को कहा है, ना मैंने कभी भोग से अलिप्त रहने के लिए कहा है। मैंने उसमें से आसक्ति को निकालने के लिए कहा है, मोह को हटाने के लिए कहा है, कर्म को फल से अलग करने के लिए कहा है और मैं का भाव हटाने के लिए कहा है। तो इस बात को समझ रहा है, जान रहा है, धीरे धीरे अपने शरीर का एहसास करते हुए अपने विचार और भाव को बहाव देते हुए अपने सांसों में स्थिर होके अपने आसपास के वातावरण को महसूस करके उन तीन आयाम को फिर से देखते हुए एक सांसों की गति, दो सांसों की उष्णता और तीन सांसों की गहराई। सांस ही तेरा साथी है, जैसे तू और सांसें हैं वैसे तू और आत्मा है, जैसे तू और आत्मा है वैसे आत्मा और मैं हूं, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। और जैसे आत्मा और मैं हूं वैसे ही आत्मा और परमात्मा है। इस प्रवास में आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जा, अपने विचार, अपनी मान्यताएं, अपने किए हुए अर्थघटन मेरे शरणों में लाके दे दे, यही शरणागति है, ऐसा श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।